नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटर वर्ल्ड इंडिया। मेरा नाम जय कुमार लिमाय है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रायम्फ से द ऑल न्यू स्पीड T4। इसका ओवरऑल डिजाइन मॉडर्न येट मस्कुलर लुकिंग है। उसके अलावा अगर आप ये पूरा डिजाइन लैंग्वेज देखते हो तो दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्पीड 400 और इसका सीट देखने के बाद आपको स्क्रैम्बलर की याद आती है। सो दैट इज अबाउट द ओवरऑल डिजाइन ऑफ दिस बाइक। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसका फ्रंट प्रोफाइल जो है आपको एक सर्कुलर शेप्ड हेडलाइट मिलता है LED सेटअप के साथ। आपको उसके अलावा अंदर डेलाइट रनिंग LEDs भी मिलते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ बात करते तो आपको 43mm के टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। आपको यूजुअली स्पीड पे अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, पर T4 पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। ये जो डिस्क है ये 300mm का डिस्क है। उसके अलावा आपको जो टायर का प्रोफाइल है वो 17 inches का है MRF के जैपर से, नॉन रेडियल टायर्स ये है। और इसके अलावा आपको डुअल चैनल ABS भी मिलता है। तो ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द स्पीड T4। इसका अगर आप ओवरऑल टैंक देखते हो तो आपको 13 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है विच इज सिमिलर टू द स्पीड। उसके अलावा ये जो टैंक क्वालिटी है, जो पेंट का क्वालिटी है, वो भी सिमिलर है कम्पेयर टू स्पीड 400। आपको बड़े फॉन्ट में यहाँ पे 400 दिखाई देता है। उसके बाजू में आपको ट्रायम्फ का ब्रांडिंग दिखाई देता है। ये आपको लग सकता है कि ये स्टिकर है, पर वो नहीं है, ये पेंट है। तो द पेंट क्वालिटी इज टॉप नॉच। अगर आप नजदीक से भी देखते हो तो आपको टैंक पे एक रेड कलर का सेक्शन मिलता है, उसके बाजू में ग्रे है, बीच में ब्लैक है और स्पीड T4 का ब्रांडिंग वापस टैंक पे बड़े फॉन्ट में दिखाई देता है। तो ये इसका टैंक क्वालिटी इज ब्रिलियंट। उसके बाजू में आपको यहाँ पे एक USB स्लॉट भी मिलता है, सी टाइप USB स्लॉट टू चार्ज योर फोन। हैंडल के बारे में बात करते हैं तो हैंडल जो है ये जो थ्रॉटल है आपको स्पीड पे राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलता है, लेकिन T4 पे ये मोटरसाइकिल पे आपको एक सिंपल सेटअप दिया हुआ है। जो मिरर्स है आपको स्पीड पे बार एंड मिरर्स मिलते हैं, पर T4 पे आपको सिंपल सर्कुलर शेप मिरर्स आपको ये बाइक पे मिलते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो हाफ एनालॉग है, हाफ डिजिटल है। आपको जो स्पीडोमीटर मिलता है वो एनालॉग में है और जो टैकोमीटर है वो डिजिटल में आपको दिखाई देता है। उसके अलावा सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो ये स्विच से। आपको बेसिकली ट्रिप ए ट्रिप बी मिलता है, इंस्टेंट माइलेज दिखाई देता है और रेंज दिखाई देती है। नीचे ये है फ्यूल इंडिकेशन, साइड स्टैंड अगर एंगेज है तो उसका भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है। तो काफ़ी बेसिक एट अट्रैक्टिव छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये है। उसके अलावा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्वालिटी इज डिसेंट। आपको यहाँ पे हॉर्न का स्विच है, इधर ये इंडिकेटर का है। उसके अलावा ये यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो ऑप्शंस देखने के लिए डिस्प्ले पे। आपको हेडलाइट का भी ऑप्शन है और यहाँ पे पास लाइट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आगे राइट हैंड साइड में अगर देखते हो तो आपको इंजन का स्विच मिलता है, इंजन का किल स्विच इंजन स्टार्ट करने के लिए। ये हैजार्ड लाइट वार्निंग लाइट ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे है और ये है स्टार्टर। तो क्वालिटी अगर आप देखते हो तो क्वालिटी इज डिसेंट फॉर द स्पीड T400। अब बात करते हैं इसकी सीट क्वालिटी के बारे में। तो इसका जो सीट क्वालिटी है वो भी अच्छा है कंपेयर टू स्पीड। इसका 10mm से कुशनिंग इंक्रीज किया है विच इज़ गुड, विच गिव्स यू अ मोर कंफर्टेबल राइड। उसके अलावा आपका ये जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इंक्रीज्ड है विच इज़ 170mm। ये बाइक का ओवरऑल वेट है 180 kgs और इसका जो व्हील बेस है वो भी इंक्रीज किया है विच इज़ 1406mm। और इसके अलावा अगर आप इसका जो राइडिंग स्टांस देखते हो वो भी डिसेंट है, सिटी के लिए परफेक्ट है। इसके फुट पेग्स सेंटर में प्लेस्ड है और मेरी हाइट है 5'6", तो बीइंग ऑनेस्ट मेरे दोनों पैर आई एम नॉट एबल टू इजीली रेस्टेड डाउन, तो थोड़ा दिक्कत है 5'6" और मेरे से जो कम जिन लोगों की हाइट है
उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है टू राइड दिस बाइक, स्पेशली सिटी में ट्रैफिक में। अगर आप किसी पार्किंग लॉट में पार्क करते हो, वहां से आपको बाइक निकालना है, तो यू माइट नीड हेल्प फ्रॉम समवन हु इज देयर बिसाइड्स यू। सो इसका कंफर्ट भी अच्छा है, जैसे हमने पहले बताया कि 10 mm से इसका कंफर्ट, इसका जो सीट कुशनिंग है वो इंक्रीज है कंपेयर टू स्पीड 400। सो कंफर्ट वाइज इट इज रियली वेरी कंफर्टेबल। रियर सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो रियर सेक्शन जो है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्पीड 400। इसके अलावा जो पेंट पे जो डिजाइन लैंग्वेज है, ये सेम डिजाइन लैंग्वेज कंटिन्यूड है एंड तक, यहाँ तक। जो टेल लैम्प है वो LED सेटअप के साथ आता है, इंडिकेटर्स जो है वो भी LED सेटअप के साथ आते हैं। नीचे की तरफ देखते हो तो जो टायर प्रोफाइल है वो थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू स्पीड 400। आपको 17 इंचेस का रियर टायर मिलता है, अगेन इट इज़ फ्रॉम MRF। उसके अलावा जो डिस्क है वो 230 mm का डिस्क है। उसके बाजू में आपको सेफ्टी के लिए सारी गार्ड भी मिलता है, ये है सारी गार्ड, चाहिए तो आप ये निकाल भी सकते हो। और जो इसका स्प्रॉकेट है, चेन स्प्रॉकेट, वो 39 टीथ का चेन स्प्रॉकेट है। अभी दिस हेल्प्स टू गिव यू मोर टॉर्क एट लोअर RPM। इसका जो रियर सस्पेंशन है वो गैस फिल्ड मोनोशॉक है। सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है फॉर द पिलियन राइडर एज वेल एज फॉर द वन हु इज राइडिंग। हम अभी T4 का एग्जॉस्ट नोट चेकआउट करते हैं। हमें लगता है इसका जो नॉइज है वो डीप ग्रंटी एग्जॉस्ट नोट है। आपको क्या लगता है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और अभी हम इसका इंजन भी चेकआउट करते हैं। स्पीड T4 का जो इंजन है वो है TR सीरीज, जो कि ट्रायम्फ ने उसको नेम किया है। उसके अलावा इसका जो CC है वो है 398.15 क्यूबिक सेंटीमीटर का। ये है लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व वाला इंजन, DOHC इंजन। उसके अलावा इसके जो आप स्पेक्स देखते हो, इसका पावर है 31 BHP, जो कि 8 BHP कम है कंपेयर टू स्पीड 400 से। और इसका जो टॉर्क है वो है 36 Nm का, जो कि 1 Nm से कम है एज कंपेयर टू स्पीड 400। इसका जो ट्रांसमिशन है वो 6-speed ट्रांसमिशन है विथ टॉर्क असिस्ट क्लच। तो ये है इसका हार्ट, ये है इसका इंजन स्पीड T4 का। नाउ लेट्स चेक आउट हाउ दिस बाइक राइड्स इन सिटी एज वेल एज ऑन द हाईवेज। इस बाइक को चलाने में सच में मज़ा आया। इसका टॉर्क इंजन जो है, टॉर्की इंजन, जिसमें 3000 RPM के बाद आपको पावर अच्छा खासा फील होता है। सिटी के ट्रैफिक में भी अच्छी तरह से राइड करती है ये बाइक। हैंडलिंग सिंपल है, आप आसानी से इस सिटी के ट्रैफिक में हैंडल कर सकते हो। हाईवेज पर 100-120 के स्पीड पर भी बाइक स्टेबल रहती है, लेकिन कॉर्नरिंग के दौरान जिगजैग रोड्स पर स्पीड 400 जैसा कॉन्फिडेंस इसमें नहीं मिलता है, शायद टायर्स या थोड़ी सी स्टिफर सस्पेंशन की वजह से, जो स्पीड 400 से थोड़ा अलग है। पर ओवरऑल T4 काफ़ी प्रैक्टिकल बाइक है। पॉटहोल्स को भी ये अच्छी तरह से एब्जॉर्व करती है, जो कि वेल कैलिब्रेटेड सस्पेंशन का रिजल्ट है। लो एंड टॉर्क का अच्छा फील इसलिए मिलता है क्योंकि T4 में 39 टीथ का स्प्रॉकेट है, जिसकी वजह से कम RPM पर ज़्यादा पंच मिलता है, इसलिए राइड करने में मज़ा आता है। T4 का सीट कुशनिंग स्पीड 400 से 10 mm ज़्यादा है, इसलिए लॉन्ग राइड्स के लिए T4 ज़्यादा कम्फर्टेबल है। आप आसानी से 40 से 70 की स्पीड पर क्रूज कर सकते हो और हाईवेज पर 100 से 120 की स्पीड पर भी कंफर्टेबली चला सकते हो। इंजन का रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमें कोई भी वाइब्रेशंस महसूस नहीं हुए। डुअल चैनल ABS भी है, जो ब्रेकिंग को और भी बेहतर बनाता है, जिससे राइड करने में कॉन्फिडेंस मिलता है। रियर ब्रेक का बाइट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। तो ये था हमारा राइड रिव्यू। नाउ चलिए आइए चेकआउट करते हैं इसमें कौन से कलर्स अवेलेबल है।
तो इसमें तीन कलर्स आते हैं, एक कलर जो है वो है फैंटम ब्लैक, दूसरा कलर जो है वो है कॉकटेल रेड वाइन, ये है कॉकटेल रेड वाइन, और तीसरा जो है वो है मेटालिक वाइट। मेटालिक वाइट सबसे अच्छा कलर है स्पीड T4 में। आप भी चेकआउट कीजिए मेटालिक वाइट और हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए आपको क्या लगता है मेटालिक वाइट के बारे में। तो ये है इसके कलर ऑप्शंस ऑफ द स्पीड T4। मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं तो मेंटेनेंस वाइज T4 काफ़ी सस्ती पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, क्योंकि टेलीस्कोपिक फोर्क दिया है आपको, बहुत सारे चेंजेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ द हार्डवेयर एज कम्पेयर टू द स्पीड 400। सर्विस इंटरवल जो है वो है 16,000 किलोमीटर्स एवरी 16,000 किलोमीटर्स, नहीं तो 1 ईयर विच एवर इज अर्लीस्ट, और आपको 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी भी मिलती है। इसके अलावा प्राइस के बारे में बात करते तो इसका जो प्राइस है वो है 2,17,000 एक्स शोरूम, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30,000-40,000 चीपर है कम्पेयर टू द स्पीड 400। तो आते हैं वर्डिट पे, ये मोटरसाइकिल किस तरह के लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। अगर आपका यूज सिटी में है, मोस्टली सिटी में है, अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो ये प्रैक्टिकल बाइक है, आप ये बाइक उठा सकते हो, खरीद सकते हो। माइलेज के बारे में बात करते तो इसका जो माइलेज है आपको मिल सकता है अराउंड 30-35 किलोमीटर्स पर लीटर, डिपेंड्स आप कैसे राइड करते हो। इसका माइलेज अच्छा है, इम्प्रूव्ड है कम्पेयर टू स्पीड 400। उसके अलावा इसका जो मेंटेनेंस है, इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी सस्ता है, मेंटेनेंस इसका कम है कम्पेयर टू स्पीड 400। तो ये था हमारा फर्स्ट राइड रिव्यू ऑफ द स्पीड T4 जो कि ट्रायम्फ ने लॉन्च किया है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस आपका क्या कहना है इस मोटरसाइकिल पर। आपके नियरेस्ट ट्रायम्फ शोरूम में जाके आप जरूर एक टेस्ट राइड लेना और वाइट कलर चलाना, वाइट कलर सबसे बेस्ट कलर है ट्रायम्फ T4 में। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एंड कीप वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया, बिकॉज हम आपके लिए लेके आने वाले सम मोर एक्साइटिंग कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच अगेन, कीप वॉचिंग, टेक केयर।